हेलो एंड वेलकम टू आवर वीडियो। दिस वीडियो इज ऑल अबाउट हाउ टू ड्राइव इन यूके विद एन इंडियन लाइसेंस। तो अगर आप इंडिया से रिलोकेट होने की सोच रहे हैं यूके में, तो आप सोच रहे होंगे कि आते ही आपको अगर गाड़ी चाहिए या गाड़ी ड्राइव करनी है, कहीं घूमने जाना है, तो कैसे कर सकते हैं इंडियन लाइसेंस पे। तो आज की वीडियो इसी चीज के बारे में है, तो चलिए लेट्स डाइव इनटू द वीडियो। एज एन इंडियन अगर आपको ड्राइव करना है, तो इसके लिए कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज हैं। तो जो फर्स्ट क्राइटेरिया है वो ये है कि आपकी एज जो है 17 साल से ऊपर होनी चाहिए। सेकेंडली, आपके पास जो इंडिया का ड्राइविंग लाइसेंस होना बहुत ज़रूरी है। एंड थर्डली, आपके पास इंडिया का रेजिडेंस प्रूफ भी होना चाहिए। बेसिकली आपके पास आपका पासपोर्ट भी होना चाहिए। वो तो ऑब्वियस ही है कि अगर आप यूके ट्रैवल कर रहे हैं तो विदाउट पासपोर्ट आप कैसे ट्रैवल करेंगे, बट ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज में लिखा हुआ है। आप यहाँ पे यूके में आने के बाद एक साल तक इंडियन लाइसेंस पे गाड़ी ड्राइव कर सकते हैं। अगर आप गाड़ी बाय करने का भी सोच रहे हैं तो वो भी पॉसिबल है यहाँ पे। बस उसमें ये होता है कि जो आपकी इंश्योरेंस है वो प्राइस काफ़ी बढ़ जाती है, तो इसलिए ये थोड़े से एक इशू रहता है। बट आप इंडियन लाइसेंस पे भी यूके में गाड़ी ड्राइव कर सकते हैं, इवन गाड़ी ओन भी कर सकते हैं फॉर द फर्स्ट। तो जैसे ही आप यूके मूव होते हैं और अगर आप गाड़ी लेना चाहते हैं या गाड़ी ले लेते हैं, उसके बाद ये हमेशा याद रखिए कि आपका वो लाइसेंस सिर्फ एक साल के लिए वैलिड है। उससे पहले ही आपको नेक्स्ट लाइसेंस के लिए अप्लाई करना है, वो है यूके का लाइसेंस। यूके का लाइसेंस का प्रोसेस के लिए हम अलग से वीडियो बनाएंगे, लेकिन ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आपको अपना, जैसे ही आप यूके मूव होते हैं और आप गाड़ी ले लेते हैं या लेना चाहते हैं, तो आपको यूके लाइसेंस भी तुरंत ही अप्लाई कर देना चाहिए। क्योंकि जैसे ही आपके 1 ईयर की वैलिडिटी ख़त्म होगी, तो आप बिल्कुल भी अलाउ नहीं किया जाएगा आपको गाड़ी चलाने के लिए यूके में। तो इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखिएगा। और इसका रीज़न एक ये भी है कि जल्दी से जल्दी अप्लाई करने का, क्योंकि यहाँ पे जो टेस्ट की डेट्स हैं वो ही मिलना बहुत मुश्किल है। जब भी आप ड्राइविंग टेस्ट सर्च करने की कोशिश करेंगे, तो आपको 6 मंथ्स के बाद का ही डेट मिलेगा, और बहुत मुश्किल से आपको अपने घर के आसपास का डेट मिलता है और आसपास की जगह का अपॉइंटमेंट मिलता है, और प्लस डेट का तो पंगा ही बहुत ज़्यादा है। तो इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे ही आप आते हैं और आप अगर यूके में ड्राइव करना चाहते हैं, गाड़ी चलाना चाहते हैं, तो ज़रूर आते ही लाइसेंस अप्लाई कर दीजिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि लेकिन अगर आप खुद से गाड़ी बाय नहीं करना चाहते हैं, आप सिर्फ रेंट करके चलाना चाहते हैं, घूमना चाहते हैं बस गाड़ी 2-4 दिन के लिए रेंट करके, तो आप यहाँ पे कार भी हायर कर सकते हैं कुछ दिनों के लिए, और आप किसी भी जगह जा सकते हैं। तो यहाँ पे इंडिया वाला कॉन्सेप्ट कम होता है कि जहाँ पे आपको ड्राइवर्स भी मिल जाते हैं, लेकिन वो काफ़ी एक्सपेंसिव होते हैं, इसलिए लोग यहाँ पे खुद ही गाड़ी को ड्राइव करते हैं। तो आप काफ़ी रेंटल कंपनीज होती हैं जहाँ से आप गाड़ी को हायर कर सकते हैं। लेकिन अब बात करते हैं उनकी रिक्वायरमेंट्स की, कि उनको क्या रिक्वायरमेंट है, क्या आप इंडियन लाइसेंस पे वहाँ पे गाड़ी हायर कर सकते हैं। पहले ऐसा था कि आप कर सकते थे, लेकिन काफ़ी ऐसी कंपनीज आ गई हैं जो कि अब ये कहती हैं कि आपको इंटरनेशनल लाइसेंस भी चाहिए यहाँ पे यूके में। इंडियन लाइसेंस के साथ आपको इंटरनेशनल लाइसेंस चाहिए अगर आप यहाँ पे गाड़ी हायर करना चाहते हैं। तो इंटरनेशनल लाइसेंस को बेसिकली IDP भी कहा जाता है। और आप सोच रहे होंगे कि ये कहाँ से लेना है, तो IDP आपको इंडिया से ही लेके आना पड़ेगा। तो बेसिकली दो ऐसी एसोसिएशन हैं, ऑटोमोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया एंड नेशनल ऑटोमोबाइल क्लब। इन वेबसाइट्स पर जाके आप देख सकते हैं कि क्या प्रोसेस है इंटरनेशनल लाइसेंस अप्लाई करने का। एंड वैसे काफ़ी क्विक है, थोड़े से पैसे लगते हैं, बट जल्दी ही आपका इंटरनेशनल लाइसेंस आ जाता है। तो ये जरूर लेके आए पहली बात, क्योंकि आप रिस्क ना लीजिए कि यहाँ पे आपको कि कोई अलाउ कर दे ऐसे इंडियन लाइसेंस पे गाड़ी चलाने का। तो बेटर यही रहेगा कि अगर आप लेके आए अपना इंटरनेशनल लाइसेंस। अभी भी कुछ कंपनीज ऐसी हैं जो कि अलाउ करती हैं इंडियन लाइसेंस पे भी, लेकिन बहुत कम सी रह गई हैं। तो मेजरली अगर मैं बात करूँ कौन कौन सी कंपनीज हैं जो कि आप जहाँ से जाके आप कार हायर कर सकते हैं, एक तो है हर्ट्ज़। उनके पास काफ़ी गाड़ियाँ हैं, उनकी बहुत बड़ी फ्लीट है, उसमें लग्जरी गाड़ियाँ भी आपको मिल जाती हैं। उसके बाद आप जो गाड़ी ले सकते हैं वो ले सकते हैं एंटरप्राइज, और नेक्स्ट है जैसे यूरोपा कार। तो इन ये कुछ कुछ कंपनीज हैं जहाँ से आप ले सकते हैं। और गाड़ी की जो रेंज होती है, गाड़ी की जो प्राइसिंग होती है, वो एक्चुअली डिपेंड करती है आप कब गाड़ी को लेना चाहते हैं। मैं ये भी आपको थोड़ी टिप्स दे देना चाहता हूँ, जब भी अगर आप गाड़ी हायर करने लगें तो आपको ये पता होना चाहिए, थोड़ा एडवांस में आप गाड़ी बुक करें। सेकेंडली, जब भी आप गाड़ी बुक करने लगे हैं, तो उसके रेट्स मल्टीपल वेबसाइट्स हैं अवेलेबल जो कि यही कंपेयर करती हैं कहाँ पर आपको ये गाड़ी सस्ती मिल सकती है, उस पर जाके ट्राई करें ज़रूर, क्योंकि रेट्स काफ़ी फ्लक्चुएट करते रहते हैं। और जब जैसे कोई सीज़न आने वाला है, कोई समर ब्रेक आने वाली है, तो उस टाइम पे काफ़ी गाड़ियों के रेट हाई हो जाते हैं। तो इसलिए अपना प्लान इस तरह से करें कि आप किसी ऐसे दिन जाएँ जहाँ पर आपको ज़्यादा इतना रश ना मिले और आपको गाड़ी सस्ते में मिल जाए। तो नेक्स्ट जो चीज़ का आपको ध्यान रखना है अगर आप यहाँ पे यूके में ड्राइव करना चाहते हैं, आप इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें कि यहाँ पे आते ही आपको सबसे पहला काम ये करना है कि आपको यहाँ के ड्राइविंग रूल्स सारे पढ़ लेने हैं। आप सोच रहे होंगे कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, इंडिया में तो हम ड्राइव करते हैं, उसमें क्या ही प्रॉब्लम है, गाड़ी चलानी आती है तो इट्स ऑल्सो सेम। बट ऐसा नहीं है, यहाँ के रूल्स बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं। इवन ऐसा भी होता है कि अगर आपने जैसे रेंटल गाड़ी ली है और आप कहीं जा रहे हैं, आपसे गलती से भी आपने कोई रेड लाइट जंप कर दी हो, या आपने किसी जंक्शन पर आपने गलत टर्न ले लिया हो, या किसी को कट करा हो, या इस तरह कोई भी इशूज़ करे हों, तो
ऐसा होता है यहाँ पे आपकी जो कार हायर कंपनी होती है उसके पास ही आपका चालान आ जाता है और वो आपके क्रेडिट कार्ड के अमाउंट से डिडक्ट हो जाएगा। तो ये चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखिए, आपको यहाँ पे आके सारे रूल्स चेक करने होंगे। और काफ़ी यूट्यूब चैनल है जो कि आपको यहाँ पे यूके की ड्राइविंग में टिप्स देते हैं और आपको उसको फॉलो करना चाहिए। और यहाँ पे काफ़ी जगह जगह पे जाके कैमराज लगे होते हैं जो कि स्पीड टेस्ट करते हैं, तो यहाँ पे ओवर स्पीडिंग भी एक काफ़ी बड़ा क्राइम माना जाता है। एंड ये सिर्फ ये नहीं कि आपको चलान आ जाएगा, तो पॉइंट सिस्टम भी होता है जो कि आपके उस पर जुड़ जाता है। अगर आप फ्यूचर में अगर आप पीआर लेना चाहते हैं या अगर आप लाइसेंस भी अप्लाई करना चाहते हैं, तो ये चीज़ें सारी नोट होती हैं कि आपने कितनी कितनी बार जंप करा, कितना चलान करा और कितनी प्रॉब्लम्स क्रिएट करी। तो इन चीज़ों का बहुत ध्यान रखना आप जब भी आप ये यूके में ट्रैवल करने की सोचें और ड्राइव करना चाहते हों। तो जैसे कि मैंने बताया आपको कि सस्ती गाड़ी डेट्स के हिसाब से भी मिल सकती है, लेकिन ऐसा भी होता है कि आप कहाँ से गाड़ी ले रहे हैं उस पर भी डिपेंड करता है। अगर आप जैसे लंदन में हैं और आप लंदन के सेंटर में से कहीं से गाड़ी उठाएंगे तो उसके चार्जेस ज़्यादा होंगे, लेकिन अगर आप हीथ्रो के पास जो कार रेंटल कंपनीज़ के ऑफिसेज हैं वहाँ से गाड़ी उठाएंगे तो काफ़ी फ़र्क है, काफ़ी सस्ता पड़ता है आपको वहाँ पे। तो ये भी एक टिप आप यूज़ कर सकते हैं जब भी अगर आप गाड़ी हायर करने की सोचें। और अगर आपके और कोई क्वेश्चन हैं इस चीज़ के बारे में आप कॉमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं और हम आपको डेफिनेटली रिप्लाई करेंगे। तो होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, लगी हो तो लाइक, share, subscribe and don't forget to hit the bell icon. Bye-bye.